केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को भेजा लीगल नोटिस। बयान से छेड़छाड़ का लगाया आरोप, दोनों नेताओं से माफी मांगने को कहा। पीएम मोदी ने संदेश खाली की हिंसा के लिए टीएमसी पर बोला हमला, कहा टीएमसी के राज में उनका अपराधी नेता फरार रहा। बंगाल सरकार ने माताओं बहनों के गुनाहगार टीएमसी नेता को बचाने की कोशिश की। हर चोट का जवाब वोट से देना है। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। अरे बने एक मकान के ऊपर जा गिरा और वहां मौजूद दो लोग मलबे में गिर गए, क्योंकि काटने के दौरान वो भारी भरकम पेड़ उस मकान के ऊपर जा गिरा और पेड़ गिरने के साथ ही वहां चीख पुकार मच गई। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे जो मकान के मलबे में दब गए, जबकि उस मकान के आगे का हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया और मकान के पीछे का हिस्सा बिल्कुल टेढ़ा हो गया। इस हादसे से पहले उस पेड़ के नीचे का हिस्सा काटा जा चुका था और उसे जमीन पर गिराने के लिए रस्सी से बांधकर खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से खींचा जा रहा था। उस मशीन के साथ एक ट्रैक्टर भी उसे खींचता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पेड़ की लंबाई ज्यादा होने की वजह से उसे संभालना मुश्किल हो गया और वो बीच सड़क पर गिरने की बजाय उस मकान के ऊपर जा गिरा। इसके बाद तो उस मकान के आगे का हिस्सा भरभराकर नीचे गिरता नजर आया और उस मकान से दूर खड़े लोग भी घबरा गए, क्योंकि मलबे में दबने की वजह से वो दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क को घेर लिया और हंगामा करते दिखाई दिए। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। हालांकि इस दौरान पुलिस के जवान भी तैनात दिखे और भीड़ को कुछ समझाते नजर आए। घायलों के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि सड़क के किनारे उस पेड़ को काटने से पहले उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी और पेड़ काटते वक्त वो लोग अपने घर के बाहर बनी दुकान में मौजूद थे। बिना सूचना दिए जो है रोड का पेड़ गिरा रहे थे। उस मकान के पास बना दूसरा मकान भी इसकी जद में आ गया। पेड़ गिरने की वजह से दूसरे मकान की दीवारें भी टूट गईं और वहां सड़क के किनारे मलबे का ढेर इकट्ठा हो गया। इसके साथ ही वहां बिजली के तार भी इसकी चपेट में आ गए। इस बीच इनकम टैक्स विभाग ने यूपी के कानपुर में बंशीधर तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर छापे मारे। इनकम टैक्स विभाग ने यूपी के कानपुर में बंशीधर तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। यूपी के अलावा जांच एजेंसी की ये कार्रवाई दिल्ली और मुंबई समेत 5 राज्यों में हुई। इस दौरान इनकम टैक्स की टीम ने दिल्ली में इस कंपनी के मालिक के घर से 60 करोड़ रुपए की महंगी घड़ियां जब्त करने का दावा किया। इनकम टैक्स कर चोरी का ये पूरा मामला, इसके अलावा उन्होंने जो अपनी आमदनी दिखाई थी उससे ज्यादा आमदनी जो है वो जांच में पाई गई है।